हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन सिंह। वेलकम टू क्राफ्टी चैनल। आज जितने भी सवाल आपको बताए जाएंगे वो सारे आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शंस ए नीलगिरी पहाड़िया, बी शिवालिक, सी नलमल्ला पहाड़िया और डी नर्मदा घाटी। ऑप्शंस डी नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। ऑप्शंस ए धोलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़ इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? ऑप्शंस ए बुर्ज होम, बी कोल्डिम्बा, सी चोपानी मांडो और डी मांडो। ऑप्शंस ए बुर्ज होम। बुर्ज होम में ही मानव के द्वारा कुत्ते को दफन किया जाता है। बुर्ज होम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में जिस स्थान पे है वो स्थान गड्ढा जैसा है। उस गड्ढे में के ऊपर छत लगा करके लोग वहाँ पे निवास करते हैं और जितने भी मालिक होते हैं वो कोई ना कोई जानवरों को अपने साथ रखते हैं, कुत्ते या अन्य जानवरों को अपने पास रखते हैं। कोई भी मालिक के मर जाने के बाद उस इंसान को गड्ढे में इंसान के साथ कुत्ते को भी दफन किया जाता है, तो इसका जवाब बुर्ज होम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शंस ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। मानव सबसे पहले आहार के रूप में जौ को खाना शुरू किया, तो ऑप्शन सी इसका जौ सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हरप्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। हरप्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्यकाल, डी कुषाण काल। जब आर्य निवास पूर्वी की ओर से करना है तो उसी समय से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, तो ऑप्शंस ए पूर्व आर्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या था? ऑप्शंस ए 893, बी 916, सी 918, डी 925। भारत में बिहार राज्य में सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो बिहार राज्य में 918 है और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो गोपालगंज में है और कम मुंगेर राज्य में है। मुंगेर में लड़कियों की संख्या कम है और गोपालगंज में लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या केरल राज्य में है। गोपालगंज में 1021 सेक्स रेशियो है और सबसे कम मुंगेर में है। अगर भारत की बात करें तो 933 सेक्स रेशियो है, 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं हैं। क्वेश्चंस, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? ए 2004-05, बी 2006-07, सी 2008-09, डी 2009-10। इसका सही जवाब बी ऑप्शंस है, 2006-07। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया? ऑप्शंस ए सेवा क्षेत्रक, बी इस्पात उद्योग, सी कृषि में प्रसंस्करण उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। सेवा क्षेत्र का योगदान 60% का रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शंस ए 65%, बी 67%, सी 68%, डी 70%। तो भारत में बिहार राज्य में बिहार के जो लोग होते हैं 70% कृषि पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थे? 6.3%, बी 7.3%, सी 8.3%, डी 9.3%, ई नन ऑफ दीज। ऑप्शंस ई इसका सही है, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब 10.7% आंसर होगा, अप्रोक्स 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शंस ए द हिंदू, ऑप्शंस बी बंगाली, ऑप्शंस सी दी महर्ता, ऑप्शंस डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शंस डी इसका सही जवाब है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शंस ए बिहार, बी पंजाब, सी सिंध, डी ठियावार। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में स्वयं आपको देना होगा। यदि हमारे वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी मिली हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और हमारा कोशिश रहेगा अगले वीडियो में इसे सही किया जाए। धन्यवाद।